हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे धूम थीम। बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए है बिल्कुल। तो इस ट्यून को मैं चार पार्ट में डिवाइड करके सिखाऊंगा, आप आराम से सीख जाओगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस थीम का सबसे पहला पार्ट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 9th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग से। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर 9th से स्टार्ट करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा स्लाइड करके स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्लाइड वाला बताते हैं पहले। तो 4th फ्रेट से हम लोग स्लाइड करेंगे 9th फ्रेट तक, ऐसे 2nd स्ट्रिंग पे, ठीक है। और अगर आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दिए आप इस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड करके। 4 से 9 स्लाइड करेंगे 2nd स्ट्रिंग पे, देन 11 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 9 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 11 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 9 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 11 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 12 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 9 ऑन 1st स्ट्रिंग, then 11 on first string, then 9 again on first string, then 12 on second string, then 10 on second string। तो चलिए आप स्लोली करके बता देते हैं एक बार। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा 9th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग से। 9 on 2nd string, then 11 on 1st string, then 9 on 1st string, then 11 again on 1st string, then 9 on 1st string, then 11 on 1st string, then 12 on 2nd string, then 9 on 1st string, then 11 on 1st string, then 9 on 1st string। लेकिन ये जो लास्ट वाला नोट आ रहा है 9th वाला, ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिंग को बेंड कर देंगे इस टाइप से, तो एक अच्छा सा साउंड आएगा। आपने देखा होगा जब मैंने प्ले किया है उसमें मैंने हल्का सा ऐसे बेंड किया है। तो आप भी करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं हो सकता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप स्लोली प्ले कर देते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के सेम है, आप फर्स्ट पार्ट को रिपीट कर लेना, वही थर्ड पार्ट है। लेकिन उसमें आप एक चीज़ ये कर दीजिएगा कि जो मैंने स्लाइड करके स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में, वो जब थर्ड पार्ट पे करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हो गया, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा 11th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग से। 11 ऑन 3rd स्ट्रिंग, देन 9 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 10 ऑन 2nd स्ट्रिंग, then 12 on 2nd string, then 10 on 2nd string, then 9 on 2nd string, then 11 on 3rd string, then 10 on 2nd string, then 9 on 2nd string। तो मैं इसको स्लोली प्ले करता हूँ। तो ये थीम पूरी हो गई, अब चलिए शुरू से एक बार धीरे धीरे प्ले कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इस थीम के नोट्स मैंने अपने पेज पर डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है।